अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कृष्णा, कृष्णा हमारे साथ आओ, बाद में बताएंगे। आओ, उठो उठो, चलो। अरे यहाँ बैठो, आज तुम कोई काम नहीं करोगी। आज तुम्हें सिर्फ आराम का काम करना है, ये बाकी जो छोटे मोटे खाना बनाने वाले काम है ना, ये हम संभाल लेंगे। अच्छा, खाना बनाना आता है? हाँ बिल्कुल आता है, हमारे कॉलेज में ना पनीर भिंडी मसाले की रेसिपी ना बहुत फेमस थी हमारे हाथ की। वो जो ये खाना बनाना तुम्हारे सामने, ये भी हमने ही बनाया, टेस्ट करो। ये खाना तुमने बनाया है? हाँ। अरे वाह, फिर तो जरूर चखेंगे हम इसे। कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना, मैं तो पता ही था हम मस्त खाना बनाते हैं। खाओ खाओ। मान गए, तुम्हारे कॉलेज के लोगों का जायका जो है ना बहुत मजेदार है, कमाल का है, बहुत बढ़िया है ना। तुम्हें पता था कि हम अच्छा खाना बना लेते। खाओ खाओ, और हमें भी खिलाओ ना, हमारे पेट में भी ना बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे नहीं नहीं, ये खाना हमारे लिए बना है ना, ये खाना हम खाएंगे और तुम्हें एक दाना भी नहीं देंगे, पूरा हम खाएंगे। हमारे और जीत के बीच ना कोई तीसरा नहीं आ सकता, और अगर हम दोनों के बीच किसी ने आने की कोशिश की ना तो हमें उसे बर्बाद करना होगा, फिर चाहे वो हमारी सगी बहन क्यों ना हो। वाह गौर, यही उम्मीद थी तुझसे, तुझसे ज्यादा मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड लड़की हमने आज तक नहीं देखी और देखोगे भी नहीं। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी सगी जुड़वा बहन कृष्णा का घर बर्बाद करेगी? अरे माँ बनके पाला है उसने तुझे, तेरे सपनों को बढ़ावा मिल सके इसलिए उसने अपने सपने हमेशा दफना दिए। तुझे हर सुख नसीब हो, उसने हर गम को गले लगाया और तू उसे बर्बाद करने चली है, तो और ये कर भी क्या सकती है? जब खुद को बर्बाद करने का एक मौका इसने नहीं छोड़ा तो कृष्णा क्या चीज है? अपनी किस्मत पर लगा श्राप ये कृष्णा की नियति के साथ बांधना चाहती है। अरे डायन भी एक घर छोड़कर वार करती है गौरी, तू तो डायन से भी बदतर है, अपनी बहन का घर बर्बाद कर। अरे डायन बेहतर है तुझसे गौरी, तुझसे बेहतर है डायन। नहीं, 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 चुप, चुप। सवेरा मैं भूल गया सब।
किसी की जरूरत नहीं, खुद रख सकते हैं हम अपना प्यार। अगर रख सकती तो आज खुद की खुशियों की मैयत पे ना खड़ी होती। अरे तेरा लालच, तेरी जिद और तेरा ना शुक्रा होना तुझे अंदर से खोखला कर रहा है गौरी। खोखली हो चुकी है तू, खोखली। अरे तेरे पास सब कुछ अच्छा था गौरी, लेकिन तेरी इनसिक्योरिटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया तुझे, और वही बर्बादी अब तू कृष्णा की जिंदगी में लाना चाहती है। तो क्या करें हम? अच्छा प्यार ना बहुत बहुत किस्मत से मिलता है। हम प्यार करते अपने जीत से, और हम जानते हैं वो भी ना हमसे बहुत प्यार करता है। इतनी मुश्किल से हमें हमारा प्यार मिला है, ऐसे कैसे हाथ से जाने दे? कैसे जाने दे? तो तेरे लिए ये कौन सा नई चीज है? एक बार पहले भी तो छोड़ा है ना जीत को। तब बात और थी, हालात और थे, लेकिन अब हालात और हैं। एक बार जो खोया है ना हमने, उसके बाद हम पाने की जो जो कीमत होती है ना, जो खुशी होती वो जान गए हैं। दोबारा नहीं जाने दे सकते ना अपना प्यार अपने हाथ से। नहीं नहीं हो पाएगा हमसे। हमसे दोबारा नहीं हो पाएगा। चुप हो जाओ। और तुम भी एक नंबर के ड्रामेबाज हो। जब खाना अच्छा नहीं था तो बताना चाहिए ना हमें, झूठ क्यों बोला? तुमने जिस भावना से, जिस प्यार से ये खाना बनाया था, उसकी मिठास के आगे इसके स्वाद का तो हमें पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, ये खाना हम खा लेंगे। नहीं छोड़ो कृष्णा, बाहर से मंगा लेंगे। अरे क्यों 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 खाओगे तुम ये खाना? क्यों बाहर से मंगवाओगे? नहीं ना कृष्णा, हम हैं ना, हम खा लेंगे ये खाना, और हम यही खाना खाएंगे। सुनती क्यों नहीं हो? तुम नहीं सुन रहे हो, अब छोड़ो और चुपचाप यहाँ बैठे रहो। हम यही खाना खाएंगे, बस हमने कह दिया तो कह दिया। मत खाओ कृष्णा। बोला ना हमने। वैसे कृष्णा एक बात बताओ हमें। आज हमने गौरी को मंदिर से भागते हुए देखा, थोड़ी स्ट्रेस लग रही थी हमें। तुम दोनों की कुछ बात हुई है क्या? कहा सुनी हुई है क्या? गौरी के मन की असल बात जाने बगैर हम जीत को सच ना ही बता सकते। अरे तुम हम दोनों बहनों की बात छोड़ो ना, आज तो ना हमें ना तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। मंदिर में गौरी तुम्हारे सामने थी, लेकिन फिर भी गौरी की मौजूदगी ने तुम्हें परेशान नहीं किया। किसे कहते हैं ना वो मूव ऑन करने वाली बात, हाँ है कि नहीं?
आई लव यू गौरी। प्यार करता हूँ तुमसे, इतना कि कोई नाप नहीं सकता हमारा प्यार तुम्हारे। कितना साफ और सच्चा मन है तुम्हारा कृष्ण, हमारे दिल पर तो बोझ पड़ता ही जा रहा है। पता नहीं गौरी ने तुमसे असल बात क्यों नहीं की। क्या सोच रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, अब जल्दी से हमें खाना खत्म करके ना अपने मायके भी तो जाना है, दादी को जाके प्रसाद देना है। अच्छा अम्मा जी को प्रसाद देना है तो हाँ, हाँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। चलो अच्छा ही है, गौरी ने वैसे भी आज हमारा फोन नहीं उठाया, हम उससे मिलके ही पूछ लेंगे कि अभी तक कृष्णा को उसने हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया। असल झटका तो अब लगेगा जब तेरी फूल जैसी बीवी का चेहरा फूल गोभी जैसा हो जाएगा। देखिए नथ सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।